वाला आ गया है और ये बड़ी शानदार किस्म की कोठी बनी हुई है और ये बाबा जी जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, सब लोग बढ़िया जा रहे हैं। और भी नाजरीन, अभी पेट्रोल पंप बना है जो अभी इनकम्प्लीट है, अभी इस पर काम हो रहा है। सीएनजी स्टेशन है जी, और ये आई थिंक किसी मोबाइल का टावर लगा हुआ है। और ये एक घोड़ा गाड़ी जा रही है और जा रही है, बस पता नहीं कहाँ जा रही है। और ये एक लकड़ियों का टावर है और ये दो बच्चियाँ मुलाजा फरमाए, ये दो बच्चियाँ हैं जो अकेली कहीं जा रही हैं मालूम नहीं। और ये हमारे मुगल बिल्डर्स की तैयार करते हैं। पीछे मेरे एक बाइक आ रही है जिसने अपनी वाइफ को साथ बिठाया हुआ है और ये बाइक का जा रही है। और इसके साथ साथ अगर आपको नजर आ रहा है तो हम किसी गांव में एंटर हो रहे हैं और इस वक्त ये बाइक जो है ये आगे गुजर रही है हमसे। और ये एक बच्चा उठाया हुआ है मुलाजिम भाई का, एक बच्चा उठाया हुआ है उन्होंने और ये जा रहे हैं और इन्होंने मुझे ओवरटेक कर दिया है। और हम एक किसी गांव में एंटर हो चुके हैं और ये गांव जो है ये उदयपा मार्बल फैक्ट्री है जी यहाँ पे। और बहुत ही अकॉर्ड से ट्रक पर लोडिंग हो रही है। वो एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है जो पहाड़े वाली है जी, आई गॉट ये है पहाड़े वाली। और ये है किसी सैयद एजाज हुसैन शैली साहब का है, पे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, ये मालूम नहीं क्या है ये, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। और हम लोग भी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ये एक छोटा सा एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज हमें मिस करती है, लेकिन ये है कि हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि होंडा सिटी हमारे सामने आ रही है। और क्लासिक फर्नीचर शोरूम का ये ऑफिस है और ये वासिया जताया वुडवर्क्स है, इसके साथ ही पंजाब साइकिल स्टोर है, नंबर प्लेट वाले की दुकान है और ये लाइट डेकोरेशन ये भी दुकान बन रही है जो भी। और ये एम सी बी ब्रांच है अड्डा पाड़े वाला। ओके सर, ओके। और इस वक्त हम मेन साइड से गुजर रहे हैं और रिस्की ड्राइविंग में कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत रिस्की ड्राइविंग, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और ये थाना पाड़े वाली है तो आप देख सकते हैं इस वक्त। ये जिन्हें नाजम का जी बोर्ड आ रहा है आगे, अब ये मालूम नहीं जिला नाजम के नाम के हैं, रिहाइश गए जी अभी इसलिए नाजम की मंडी लाहौल थी, रिहाइश का कैंप ऑफिस का ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है मुझे आगे। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा ये लाल रंग का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और बहुत, और ये पीछे में एक छोटा आ रहा है और मुझे ओवरटेक करने की ट्राई कर रहा है और ये मैं ओवरटेक कर रहा हूँ और ये उसकी मैंने मूवी बना ली है। और इस तरीके से आगे ये पठा रहा है, ये पड़े मरने का बोर्ड लगा हुआ है दोबारा से, एक ट्रक के बेचारा फिर से खराब हुआ हुआ है, कोई मसला है इसको। और ये पठा है जो आप देख रहे होंगे और ये भी आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर आ रहा है और बहुत खुशगवार माहौल गुजर रहा है, बहुत खुशगवार सी सुबह है। इस सुबह में इंजॉय कर रहे हैं हम, अकेले ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये एम सी बी की ब्रांच दोबारा से आ रही है और आई थिंक ये एम सी बी अभी तैयार हो रहा है, अभी ब्रांच ओपनिंग है। ये अल्लाह नेकी बान का बोर्ड लगा हुआ है मोहम्मद रफीक सारे साहब का, ठीक है। ये इन्होंने एक बच्ची को बिठा के बच्चे रखने जा रहे हैं। और ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त ये लड़का जो है वो जबरदस्ती से बैठने की ट्राई कर रहा है और वो बैठ चुका है और ये बच्ची रास्ते लेकर जा रही है। और ये गाड़ी खड़ी हुई है एक्शन लाइन जो कि मैंने चाह रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं, और जो कि बहुत महंगी थी जैसे मैं रेंट की वजह से मैं कुछ छोड़ा और कुछ अवेलेबल भी नहीं थी। वो एक एक्चुअली इमरान ड्राइवर है, मेरे साथ थोड़ा फ्रॉड किया और ये तो मैं पुलिस वाले जा रहे हैं और वो इससे सफर गुजर रहा है जी। वो देखिए जी, एक डेरे के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है और वो डेरा है और उस डेरे के ऊपर माजे बंधी हुई है और कटाल भी बंधे हुए हैं और ये सोच के मुझे कोरे क्रॉस कर रही है और ये रेस लगा दी थी छोटे छोटे और यहाँ पे आमने सामने से गुजर रही है और ये मैं मुझे भी क्रॉस कर गए। और ये